थोड़ी देर पहले तीसी बट के बहनोई को फायर लगे। राइट साइड से उन्होंने ड्राइविंग सीट से फायरिंग की है और 5 से 6 फायर उन्होंने किए हैं। जब रेस साहब हैं वो तो मौके पे ही जाम बाग हो गए हैं। दुश्मनियों का सिलसिला है ये रुका नहीं है। तीसी बट के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा होगा। शूटर एग्जैक्ट इनकी गाड़ी पे आके ही हमला करती हैं। दुश्मनदारी जो है उसके अंदर ये भी पता होता है कि आज घर में पका क्या है। मोटरसाइकिल सवार अफराद होंगे तो वो ट्रेंड होंगे, लाजमी सी बात है, शार्प शूटर होंगे, उन्होंने ये कार्रवाई की है। अगर वो शार्प शूटर हैं तो वो लाजमी किसी ना किसी गैंग का हिस्सा हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज TV, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर भट्ट और अभी हम यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले तीसी बट के बहनोई को फायर लगे और हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं जो उस टाइम मौके पे मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि ऐसा लगाए क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी आप स्पॉट पे मौजूद थे, मौके पे क्या सूरत हाल थी? ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो तीसी बट के बहनोई हैं। मुबैना तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो तीसी बट फैमिली है और उनके बहनोई हैं और उनकी बहन जो है तीसी बट की वो साथ ट्रैवल कर रही थी। क्योंकि इकबाल टाउन में कहा जा रहा है कि वो लोग रिहाइश पजीर थे और इकबाल टाउन से निकल के वो गालिबन गुलबर्ग की तरफ या फिर शाह जमाल की तरफ जा रहे थे। ठीक है। और जैसे ही इशारे से थोड़ा सा पीछे की जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पे अंडरपास से थोड़ा सा पीछे जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी जाम थी क्योंकि आज बारिश हुई है लाहौर में, बारिश की वजह से पानी की वजह से ये सारी ट्रैफिक जाम थी, ट्रैफिक स्लो हुई है। ठीक है। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई है तो मोटरसाइकिल सवार जो शख्स थे उन्होंने फायरिंग की है। अभी वो राइट साइड से उन्होंने ड्राइविंग सीट से फायरिंग की है और 5 से 6 फायर उन्होंने किए हैं जिसमें जो जावेद साहब हैं वो तो मौके पर ही जाम बाग हो गए हैं और जो 7 खातून मौजूद थीं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो तीसी बट की बहन है वो मामूली जख्मी हुई हैं जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। अभी जो है मेन टारगेट जो तीसी बट के बहनोई को था या उनकी सिस्टर को था? क्योंकि जिस साइड से फायरिंग की गई है वहाँ पर तो जावेद साहब मौजूद थे जो ड्राइव कर रहे थे और तीसी बट साहब की जो बहन है वो लेफ्ट साइड पर बैठी हुई थी। उस साइड पर कोई फायरिंग के निशान नज़र नहीं आए हैं, ना उस साइड पर कोई फायरिंग के निशान है, ना ही कोई गोली वहाँ से क्रॉस की है। ठीक है। क्योंकि ना वो शीशा टूटा है ना दरवाजे पे किसी गोली का निशान है। हाँ, वो सीट पे थोड़ा सा खून नीचे से मौजूद था, ये कहा जा सकता है कोई गोली टच करके उनको गुजरी है लेकिन गोली उनको लगी नहीं है। अभी तक की पुलिस की इत्तलात यही है। अभी अमीर ब्लाश कत्ल, अहसन शाह कत्ल और अभी ये जो तीसी बट के बहनोई को कत्ल कर दिए गए हैं, करवाया गया है, ज़राए के मुताबिक अभी ये बड़ी चीज़ें सामने आनी है। तो क्या समझ रहे हैं कि गैंगवार का सिस्टम ये जो है ये शुरू हो चुका है? अच्छा, अभी जो टाइम है वो बहुत अहम है क्योंकि अभी आपने देखा कि वो एक दफ़ा दोबारा अहसन शाह के कत्ल के बाद दोबारा इस केस में काफ़ी जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, काफ़ी हकाइक सामने आ रहे थे, काफ़ी बातें सामने आ रही थी। लेकिन ऐसे मौक़ों पे हम कुछ कह नहीं सकते कौन इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो पुलिस भी इस खदशे का इजहार करती हुई नज़र आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो मौके का फ़ायदा जिसने उठाया हो और सारा रंग ये देने की कोशिश की हो ताकि ये जो दुश्मनी है ये लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और तीसी बट फैमिली का ध्यान भी इस तरफ जाए कि ये दुश्मनी की वजह से सब कुछ हुआ है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन मजीद पुलिस की होगी, ये लोग पकड़े जाएंगे जो शूटर्स हैं तो फिर ही सामने आएगा। अभी डेड बॉडी कहाँ पर लेके गए हैं? अभी तो इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से शिफ्ट कर दी है और जो ज़ख्मी हैं खातून उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया हुआ है। तो अभी वर्षा में से कोई अभी तक सामने नहीं आया। और जावेद भट्ट को जो फायर लगे मौके पे डेथ हुई है या सांस से? जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उनकी डेथ हो चुकी हुई थी, मौके पे उनकी डेथ हो चुकी हुई थी और पुलिस ने अपने शवाहिद इकट्ठे किए, उसके बाद उनको उनकी बॉडी को यहाँ से मूव कर दिया गया, उनकी गाड़ी को यहाँ से मूव कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने आपके जो मेन शवाहिद थे वो यहाँ से इकट्ठे किए हैं, जितने वो शवाहिद इकट्ठे कर सकते थे अपनी रिपोर्ट तैयार की और गाड़ी मूव कर दी गई थाने। बहुत शुक्रिया। सीनियर क्राइम रिपोर्टर आमिर मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाए वो कुआ पे अभी हम खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो दुश्मनियों का सिलसिला है ये रुका नहीं है। दुश्मनी का सिलसिला तो रुका हुआ था, जो अमीर बलाज है उसने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था और मुबैना तौर पर जो उनके अजीज़ व अकारब हैं वो भी यही बताते हैं कि वो जो आरिफ अमीर उस टीपू ट्रकां वाला है उसका जो कत्ल है, अपने वालिद साहब की जो कत्ल है उसने उसके जो हमलावर हैं उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन फिर 19 फरवरी को लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद ये जो अंडरवर्ल्ड की कई दहाइयों से जारी जो लड़ाई थी इसके अंदर मजीद तेज़ी आती गई। तीसी बट की जो फैमिली है ये अभी तक ना मंजर आम पे नहीं आए थे, अभी ये लोग जब घर से निकले हैं या कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, शूटर
एग्जैक्ट इनकी गाड़ी पे आके ही हमला करती हैं। दुश्मनदारी जो है उसके अंदर ये भी पता होता है कि आज घर में पका क्या है, कितने हद तक जो है वो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। तो ये जो मूवमेंट की जो है ख़बर रखना ये कोई मायने नहीं रखती, पता चल ही जाता है। दूसरी बात ये है कि घर वालों का कौन क्या है, किस्ते में क्या लगता है, किसको मारेंगे तो क्या असर पड़ेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई किसी को पता नहीं है कि किसी का भाई इसके बहुत क्लोज है या बहन बहुत क्लोज है। तो हो सकता है मेरे लिए, मेरे नज़दीक टीफी बट के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा होगा। और जहाँ तक मैं आप बताऊँ मारा किसने, अब देखेंगे एक ऑडियो भी लीक हुई है हसन शाह की, जिसमें वो जेल में था, मुबैया तौर पर अपनी अहलिया से बात कर रहा है और वो उनकी अहलिया जो है वो एक उनको बता रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा फनकार बन गया हूँ, मैंने एक टीम तैयार कर ली है। अब क्या एहसन शाह के कत्ल का बदला लेने के लिए उसने जो टीम तैयार की थी उसकी ये कार्रवाई है, या एक जो दुश्मनदारी का सिलसिला जो दहाइयों से चलता आ रहा है वो अनासिस के पीछे इन्वॉल्व है, वो अभी कबल इस वक्त है, अभी तो कुछ देर पहले ये वाक़ हुआ है, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। बताया गया है दो मोटरसाइकिल सवार अफराद थे, तो उनकी कार्रवाई है। तो मोटरसाइकिल सवार अफराद होंगे तो वो ट्रेंड होंगे, लाजमी सी बात है, शार्प शूटर होंगे, उन्होंने ये कार्रवाई की है। अगर वो शार्प शूटर हैं तो वो लाजमी किसी ना किसी गैंग का हिस्सा हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दरीना दुश्मनी है, ऐसा लग नहीं रहा, बजाय ऐसा लग रहा है कि ये जो चल रही है अंडरवर्ल्ड की लड़ाई उसी का एक शख्स है। गैंग वार शुरू हो गया, बिल्कुल, तो ये लड़ाई आगे मजीद बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। यहाँ पर यह हादसा हुआ है, अभी उनकी डेड बॉडी का कुछ पता नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मौजूद है इस वक्त? नहीं, वहाँ पे भी नहीं है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वहाँ पे भी नहीं है। ठीक, अब हम सिर्फ बताया गया जनरल अस्पताल में। अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या वो लोग मीडिया पे आके कुछ अपना बयान, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये जो गैंगस्टर्स होते हैं या जायम पेशा सरगर्मी मुलविस जो लोग होते हैं, उनके अहल खाना को जब इस तरह की किसी मुजरमाना सरगर्मी में मार दिया जाता है तो वो लोग कभी भी मंजरेआम पर नहीं आते हैं। ठीक है, वो अपने आप को कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे और ना वो मंजरेआम पर आएंगे। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, हो सकता है कोई ज़रूरत पेश आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आए, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा मुमकिन नहीं, नहीं आएंगे, ऐसा मुमकिन। मतलब कि इसका मुद्दई कौन होगा इस जो हमले? देखें, अभी तो वाकया हुआ है, कौन बनता है इसका मुद्दई? हो सकता है रियासत बन जाए। ना करें, हो सकता है रियासत बन जाए। कैसे? हो सकता है उनकी हमशीरा बन जाए। रियासत बन सकती है अगर एक जुर्म का वाकया हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में हुआ है, लाहौर के केनाल रोड पे हुआ है, एक यहाँ पर उस वक्त ट्रैफिक चल रही होगी, यहाँ पर लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक गाड़ी खड़ी रही है, लोगों ने आगे देखा होगा कुछ लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं, यहाँ से एम्बुलेंसेस गई हैं, तो एक मर्डर तो हुआ है ना। अब अगर मुदई पार्टी नहीं आती तो आप क्या समझते हैं इसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा? इस तरह के केसेस में अमूमन अगर मुदई पार्टी सामने नहीं आती तो रियासत जो है वो मुदई बनती है, मुकदमा लाजमी दर्ज होगा। नाज़रीन, यहाँ पे देखें कि ये वो स्पॉट है, यहाँ पे इनको फायर लगे हैं और जो बाइक सवार थे नामालूम अफराद, यहाँ पे सेफ सिटी कैमरे भी मौजूद हैं और अब ये सेफ सिटी कैमरे की मदद से जो इनको जो है अरेस्ट किया जाएगा, उस पर जो इन्वेस्टिगेशन में हकायक सामने आएंगे कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये फायर किए हैं। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया है और वो भी मेन रोड के ऊपर। हो सकता है कि उनका टारगेट जो उनकी सिस्टर थी तीफी भट्ट की, उनको बनाना चाह रहे थे और इसको फायर लग गए हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, मज़ीद भी तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।